सो नमस्कार दोस्तों, डीसी जीएसएम टूल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ईएमटी में वर्जन 3.21.00 ये अपडेट आ चुका है। और जैसा कि हमने कल डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में वीडियो बनाई थी कि हमने आपको लोडर दिया था ओप्पो सीपीएच 2127 का, वो लोडर अब ऐड होने लगा है। और यहाँ पे ईएमटी जो कि एक लाइफ टाइम फ्री टूल होता है जिसका कि कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं होता है, उसने सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर दिया है। सबसे पहले एक्चुअल में कल MST में अपडेट आया था, तो उसके बाद यहाँ पे जो है EMT में अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ओप्पो का यहाँ पे ओप्पो का स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट ऐड कर दिया गया है इसमें, कि Realme GT Master Explorer Editions और Pro GT Neo 2, GT Neo 3T, Reno 6 Pro 5G, Reno 6 Pro 5G, Find X3 और ये सारे सेट इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओप्पो का स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट जोड़ा गया इसमें, ओप्पो A53 2020, A32, A33 ये सारे सेट, A53S, A11S ये जो है आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला था क्वालकॉम का, जिसमें कि आपको कभी 3000, कभी 2500, कभी 2000 इस तरीके से आपको पे करना पड़ रहा था क्वालकॉम का, वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और आप ईज़िली इसको आप कर सकते हैं। आज शाम तक मेरे हिसाब से सभी टूल्स में इस तरीके का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास और कोई टूल है तो उसमें भी शाम तक अपडेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री टूल ने सबसे पहले अपडेट दिया, क्योंकि EMT एक ज़बरदस्त टूल है जिसमें आप 5 PC डेली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री में सबसे पहले अपडेट इसी में आता है, और हाइड्रा में, UMT में और इन सारे ही जो टूल्स हैं उनमें अपडेट आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यही था अपडेट, और अगर आपको अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फिर सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।